बेगूसराय जिले के चुराही थाना क्षेत्र के परोड़ा पंचायत अंतर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय महेशपुरा डुमरी के प्रभारी प्रधानाध्यापक रामचंद्र यादव की 3 फरवरी 2022 को निर्मम हत्या कर कांवर जेल में हत्यारों द्वारा सबको छिपाने की कोशिश की गई, किंतु चुराही पुलिस शिक्षक सबको ढूंढने में कामयाब हुई, किंतु अभी तक हत्यारे की तलाश में पुलिस जुटी है, गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। प्रखंड स्तरीय शिक्षक संघ की बैठक बुधवार को बीआरसी भवन सभागार में शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष निशांत कुमार की अध्यक्षता में की गई। शिक्षक की हत्या पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आज के समय में शिक्षक भी सुरक्षित नहीं है। जानकारी देते निशांत कुमार ने बताया कि हम लोग हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर शिक्षक संघ चौराही थाना अध्यक्ष मिलने गए, किंतु उपस्थित नहीं थे। हम लोग लिखे शिकायत उपस्थित पदाधिकारी को सौंपा है और दूरभाष पर थानाध्यक्ष से बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुलिस अपनी भूमिका निभा रही है, जल्द ही कामयाबी मिलेगी। थानाध्यक्ष दूरभाष पर पत्रकारों से बताया कि हत्या का मामला है, पुलिस अपने स्तर से घटना की गहन जांच और गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है, जल्द ही हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, निर्दोष फंसेगा नहीं, दोषी बचेगा नहीं। मौके पर सुभाष कुमार, संतोष कुमार सहनी, डोमन चौधरी, शिवाकांत राय, मोहम्मद वकार, दिलीप कुमार कुशवाहा, हरिशंकर यादव समेत क्षेत्र के अन्य शिक्षक शामिल थे। मुलाकात करना चाह रहे हैं और फोन से हमारी बात हुई, किसी कारण से वो नहीं मिल पाए हैं और आज भी हम लोग आए थे थाना प्रभारी से मिलने के लिए। और घटना का 3 तारीख को यह घटना हुआ, अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ है, इसलिए हम शिक्षक भी आक्रोशित हैं और हत्या जिस रूप से हमारे शिक्षक का किया गया है, यह समाज, शिक्षक समाज के लिए काफ़ी दुखद है और हम चाहें कि जो हत्यारा है जल्दी गिरफ्त में आए। और हमको आश्वासन बढ़ावा दिए हैं फोन पे जो बात हुआ है कि हम इस क्रम में काम कर रहे हैं और आपको जल्दी रिपोर्ट दिया जाएगा, उसी संदर्भ में हम लोग अग्रेतर जानकारी के लिए उपस्थित हुए थे कि हत्यारा जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो। आपका नाम? निशांत कुमार, बिहार राज्य प्रारंभ।